जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी वर्तमान में अगर यदि राजनीतिक की बात हम लोग करें तो लगता है जैसे देश के अंदर रावण राज की स्थापना हो गई है। बात तो होती है कि राम राज की स्थापना होनी है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, तमाम सारी बातें होती हैं, लेकिन देखने की बात यह है। कल मैंने एक वीडियो जारी किया था, आपने देखा होगा, कुछ अपशब्द है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नहीं, किसी भी राजनेता के मुख से अपशब्द भाषा नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन इतनी अपशब्द गाली दिए जाते हैं जो कुछ बर्दाश्त से ज्यादा हो जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर विरोध करना सबका अधिकार है, जनता का पूरा अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है कि आप किसे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये आपका काम है। लेकिन किसी की माँ बहन पहुंचना, ये किसी भी मर्यादा में, किसी भी लोकतंत्र में सही नहीं है। और खास तौर से आप चाहे कुछ कहें ना कहें, लेकिन जब से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश में, तब से इन लफ्जों का ऐसा लगता है कि एक दौर सा चल गया है। लगता ही नहीं कि ये अपने माँ बाप के कोई औलाद है। ऐसा लगता है कि कोई उठाई गिरे की सरकार बन गई है और उठाई गिरे की तरह गुंडा हो, गर्दी हो, कैसे अपशब्द भाषा का प्रयोग करना है, मतलब जिस तरीके से आदमी को, सामने वाले को जलील करना है, वो ही जलील करने के हद में चले जाते हैं। ये चाहे आप साधु संतों की भाषा देख लें, चाहे राजनेताओं की भाषा देख लें, चाहे क्या कहते हैं इनके समर्थकों की भाषा देख लें, और उससे बड़ी बात है इनकी आईटी सेल की भाषा आप देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, फर्जी आईडी बना के वो गाली देने का काम करते हैं, सब जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। फेसबुक के ऊपर एक भाजपा के नेता कर्नाटक का बैन लगाया गया है, उसका साजिश मकसद एक है, उसका बैन करने का। उसके माध्यम से बहुतों के अकाउंट को बैन किया जाएगा, एक दिखावा किया गया है ये पूरे देश के अंदर। अगर बैन करना है फेसबुक को, तो भाजपा के जो आईटी सेल के जो फर्जी आईडी, सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान में फर्जी आईडी आपको मिलेगा, तो भगवान की फोटो लगाई हुई मिलेगी, किसी देवी देवता की फोटो लगाई हुई मिलेगी, और उसके ऊपर जो गंदे कमेंट्स होते हैं, मैं कहता हूं जिस भगवान का वो फोटो लगा के कॉमेंट्स करते हैं वो भी शर्मा जाए कि भाई ये मेरा फोटो इस्तेमाल करके कितनी भद्दी भद्दी मेरे, मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज के रीति रिवाजों को, सनातन धर्म के रीति रिवाजों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। सनातन धर्म के अंदर जो चीज है, शायद मैं समझता हूं संसार के किसी धर्म में नहीं है। हम एक ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें हम तुलसी की पूजा करते हैं, एक दूध की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, हमारा ऐसा धर्म है। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका हम अनादर करते हो। ये हमारे लगता है अभी नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा कि आपके संस्कार कहां जा रहे हैं, आप किस ओर बढ़ रहे हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं राम राज की। रामचंद्र जी वो एक ऐसे भारत के राजा हुए, अयोध्या के राजा हुए, जो न इतिहास में कभी हुआ है, न भविष्य में भी कभी होगा, ये सत्य है। क्योंकि उन्होंने कोई भी काम जो किया वो मर्यादा में रह के किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। एक साधु की कल परसों मैंने वीडियो देखा था जिसपे मुझे काफी आक्रोश आया। वो उत्तर प्रदेश से है और वो ये कह रहा था कि हम लोग ऊंची जाति के लोग हैं, कुर्मी कुशवाहा ये नीच जाति के लोग हैं। नीच क्या होता है? उस साधु के पास इतना तक ज्ञान नहीं है कि नीच किसे कहते हैं और ऊंच किसे कहते हैं। वो बन गया दाढ़ी बढ़ाने से क्या साधु हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। विचार से आदमी ऊंचा बनता है, विचार से आदमी नीचा गिरता है। जो भी चीज है हमारे विचार के अंदर है। अगर ऐसा होता, यदि ये ऊंची जाति से ही
सारे संविधान सारे मतलब वेद लिखे जाते तो शायद रामायण की रचना वाल्मीकि तो आज जो मोदी सरकार का साथ दे रहा है बिल्कुल वही स्थिति में है। 100% कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, मोदी सरकार की गलत नीतियां आप देख लीजिए, एक भी कोई उदाहरण बता दे कि मोदी सरकार ने यह कदम उठाया और उसका सक्सेस हुआ है। सक्सेस जब होगा जब आपकी नीयत साफ रहेगी, जब आपका इरादा नेक रहेगा, लेकिन यहां कचरा रहेगा तो कोई भी आपका आगे नहीं बढ़ सकता है पॉइंट, कोई आगे आप नहीं उठ सकते हैं, आपका देश आगे नहीं उठ सकता, हमारा देश आगे नहीं उठ सकता है। सातवां साल है मोदी सरकार को, सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को इस देश में फायदा हुआ है, देश की जीडीपी हमारी 24 लगभग चली गई माइनस में, माइनस में, अब इससे ज्यादा 50 साल लगे 100 साल लगे मेकअप होने में इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेरोजगारी तो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है अभी देश के अंदर, उद्योग कारखाने कैसे बंद हो गए इसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक चीज यदि आपको फला फूला है इस देश के अंदर तो वो नफरत फला फूला है भारत सरकार की, जो अभी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की, इनकी सरकार में एक नफरत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और इसमें ये सक्सेस हुए हैं। तो क्या नफरत पैदा करके हम इस देश को तरक्की पे ला सकते हैं? भाई रामचंद्र जी के टाइम में तो हमने कभी जाति पाति की बात देखी नहीं, लेकिन ये जो नया न्यू इंडिया बन रहा है मोदी जी का, साइनिंग इंडिया, फेक इंडिया, मैं तो इतने नाम भी नहीं जानता क्योंकि मोदी जी डेली एक नाम चेंज कर देते हैं इंडिया का, तो मैं इतने नाम नहीं याद रखता, लेकिन 2-4 नाम याद हैं। तो इस न्यू इंडिया में क्या हम एक जहर घोलने वाला काम कर रहे हैं, एक ऐसे जहर को पैदा कर रहे हैं जो हमें एक दूसरे को हम देखना नहीं पसंद करेंगे, हम एक दूसरे को गोली मारने की बात करेंगे, एक दूसरे का घर उजाड़ने की बात करेंगे? क्या ये न्यू इंडिया है? क्या इस रामराज को हम स्थापित करेंगे? क्या मिलेगा इससे? देखिए घर परिवार भी सुखी जब ही रहता है जब घर के अंदर एकता होती है। मान लीजिए 4 भाई है, चारों कोई जा रहा है एक ईर घाट एक बीर घाट, कोई कहीं कोई कहीं, उसका फायदा कौन लेता है? एक कहावत है, घर फूटे और गवार लूटे। तो यदि देश में टुकड़े होंगे, देश में जब एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा की जाएगी तो बाहर वाले हमारा फायदा उठाएंगे, 100% उठाएंगे, यह आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर जब एक दूसरे के प्रति हम प्रेम त्याग, एक दूसरे के प्रति समर्पण करना समझेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हम काम आएंगे, तब देश हमारा राष्ट्र हमारा एक शक्तिशाली मुल्क बनेगा, तब हम कहलाएंगे विश्वगुरु। ना कि इस तरीके से हम विश्वगुरु कभी, ना दुनिया के इतिहास ही नहीं है किसी कंट्री का जिस देश को बर्बाद करना है उसमें बड़े बुजुर्गों का कहना है कि वहां जातिवाद की बीमारी फैला दो। तो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए एक ही संगठन है जिसने संकल्प लिया है, वह है आरएसएस। क्योंकि जैसे तालिबान आपको छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नफरत पैदा करता है दूसरे समाज के प्रति, उसी तरीके से 100% आरएसएस एक ऐसा भारत का संगठन है जो हिंदू के बाल बच्चों के दिमाग में, छोटे छोटे बाल बच्चों के दिमाग में उनको हथियार उठाने की बात सिखाता है, उनको नफरत पैदा करने की बात सिखाता है, क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, उनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, उनको बनाना है जैसे राजपूत भूमिहार का पहले एक राज चलता था, उस राज को स्थापित करना है, यह है मकसद, कोई भारत का और उसकी बात नहीं है। ये समझना पड़ेगा बैकवर्ड समाज के लोगों को, उसका उदाहरण दे रहा हूं। बोले मोदी सरकार ने बैकवर्ड समाज की आरक्षण खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, गूगल पे रिसर्च कर लो, किसी विभाग में बैकवर्ड समाज का बच्चा आईपीएस आईपीएस नहीं बन सकता है, ये दिया है मोदी सरकार ने आपके बाल बच्चों को।
कोई भी दलित का बच्चा अब आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर यदि बनना चाहेगा तो ये नहीं बन सकता है। ये मोदी सरकार ने खत्म कर दिया ये सारे सिस्टम। अस्पष्ट मोहन भागवत का बयान है, मोहन भागवत का एक अस्पष्ट बयान है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे दलित के ओबीसी लोगों के तो घमंड उनमें पैदा हो जाएगा। तो ये आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। ये मोहन भागवत ने बयान दिया है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं, जाहिल रहेंगे तभी तो हमारे गुलाम होंगे। आरएसएस का मकसद है ओबीसी समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, ये अनपढ़ जाहिल गवार रहेंगे तभी तो ये हमारी गुलामी करेंगे जैसा सदियों से होता आया है। तो क्या जो 70 साल में पीछे कांग्रेस के शासन काल में एक ही गलती किया है उसने, पता है क्या, कि जब महात्मा गांधी को गोली गोडसे ने मारा तो गुजरात के ही गृह मंत्री थे उस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस संगठन को बैन कर दिया कि ये एक आतंकी संगठन है, मेरे लफ्ज नहीं है। गुजरात के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये बयान है कि ये एक आतंकी संगठन है जो देश के लिए एक खतरा है, ये उस टाइम का बयान है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी तो ब्राह्मण परिवार से ही था, बुरा लगेगा कांग्रेसियों को इस बात से, क्योंकि मुझे सत्य बोलना आता है, मैं चापलूसी की राजनीति नहीं करता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू को नजर आया कि अरे ये तो एक ब्राह्मण का संगठन है, इस संगठन को बैन कर देंगे तो फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों बाद उस संगठन से बैन हटा लिया गया आरएसएस से। तो उसी का खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भुगत रही है। कहावत है, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। तो जो कांग्रेस पार्टी ने बोया है वो देश में ये काट रहा है फसल। अगर कांग्रेस पार्टी उस टाइम में आरएसएस संगठन को बैन कर दी रहती तो आज शायद भारत की जनता ये चीज दिए दिन नहीं देखती। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज जितने भी विपक्षी दल है ये सौगंध खाएं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत में आरएसएस संगठन को हम बैन करने का काम करेंगे। पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल है, मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी का अध्यक्ष, मैं तमाम विपक्षी दल से आह्वान करता हूं कि आइए आप सब एक मंच पे सौगंध खाइए कि आरएसएस संगठन एक ऐसा संगठन है हमारे भारत के लिए जो हमारे देश को बर्बादी की कगार पे ले गया है। इस संगठन को बैन करना बहुत जरूरी है। और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। अमित शाह जैसे नेताओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है, क्योंकि ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इन्होंने देश की संपत्ति को, एक एक संपत्ति को बेचने का काम किया है। ये राष्ट्रहित के लिए शुभ नहीं है। कुछ चंद उद्योगपतियों की ऐसी इन्होंने गुलामी की कि अब हमारे देश में कुछ बचा नहीं है। अब यदि हमारा देश चाहेगा कि हम इससे निकल पाए तो अगले 50 साल के लिए तो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया है देश को कि कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं है भाई। बीएसएनएल नहीं है, एलआईसी नहीं है, भारत पेट्रोलियम नहीं है, रेलवे नहीं है, सरकारी बैंक हमारे हाथ में नहीं है। बचा क्या है हमारे देश में जिसपे हम नाज कर सकें? लाल किला नहीं है जिसपे हम भाषण देते हैं,
लाल किला भी आजकल गिरवी है, गिरवी दी उसको पता नहीं कितना देता है भाई उसको। तो ये सब चीजें आप सबको समझनी पड़ेगी। राम राज राम राज राम राज कहने से राम राज नहीं हो जाएगा। एक चीज और बता दूं दलित समाज के लोगों को, किससे आप नफरत करते हो? मंदिर से? गलत बात है। धर्म एक आस्था की चीज है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान समाज का हो, चाहे दलित समाज का लोग हो। आखिर सप्पन भक्त के विषय में तो दलित समाज के लोग नौजवान शायद कम जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, जब ये यज्ञ किया था महाभारत के बाद, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि आकाश में घंट जब बोलेगा तो ही पांडव का पाप खत्म होगा, और आपको ऐसा यज्ञ करना पड़ेगा कि उस टाइम के अंदर भारतवर्ष में जितने भी ऋषि महात्मा थे सबको निमंत्रण देना था। भेदभाव तो सदियों से आया है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है, भेदभाव सदियों से आया है। तो सप्पन भक्त को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो जाति का डोम होता है, घृणा की नजर से उसको नहीं दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और यदि ब्राह्मण राजपूत में इतने शक्तिशाली व्यक्ति संत महात्मा उस टाइम में थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब तक सप्पन भक्त नहीं आया द्रौपदी के यहां भोजन करने के लिए, ये उनके जो बड़े पुत्र हैं उनका मुझे नाम जरा माफ करना, ध्यान से उतर रहा है, पांडव के, तो उनके यहां जब तक भोजन करने के लिए नहीं आए तब तक उनका भोजन सफल नहीं हुआ। अब घमंड कहां से आया तो आप समझ लीजिए, दो मिनट लगाऊंगा मैं आपको। और सबसे पहले अर्जुन जाता है उसको लाने के लिए, घमंड से चूर, भैया मैंने तो महाभारत युद्ध जीत लिया है, यूं ही आ जाएगा। तो उससे सप्पन भक्त का लोटा नहीं उठता है, अब समझिए कहां चली गई उसकी शक्ति, क्योंकि घमंड वहां आ गया। उसके बाद भीम जाता है, अरे उसको तो मैं यूं ही गोद में उठा के ले आऊंगा, ये घमंड रहता है भीम को, उससे भी उसका लोटा नहीं उठता है। तब जाता है बड़ा भाई पांडव, वो जाके माफी मांगता है और उनको लाता है। द्रौपदी 56 प्रकार का भोजन बनाती है अपने हाथ से, लेकिन थोड़ा कास्ट का अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं खान पीने में, ये भी सत्य बात है। तो सप्पन भक्त को जब 56 प्रकार का भोजन बना के देती है और वो ऊपर महल से झांक के देखती है झरोखे से कि मैं बनाई हूं तो कैसे, मतलब मेरा भोजन का स्वाद ले रहे हैं महात्मा, तो पहली बार जब वो सभी खाने को एक साथ मिला देते हैं, और उसको मिलाने के बाद पहला निवाला डालते हैं मुंह में तो आकाश में एक घंट बोलता है, दूसरा निवाला जब मुंह में डालते हैं तो दूसरा घंट बोलता है, लेकिन जब तीसरा निवाला डालने लगते हैं मुंह में तब द्रौपदी अपने मन में सोचती है कि आखिर छोटी जात तो छोटी जात ही रह गई, मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया, मैं सोची कि एक एक चीज का स्वाद लेंगे, लेकिन महात्मा जो है सब भोजन का मेरा कवाड़ा कर दिया एक साथ मिला के। वो इतने बड़े महात्मा होते हैं सप्पन भक्त जी कि द्रौपदी की मन की बात समझ जाते हैं और वो भोजन का तीसरा निवाला मुख में नहीं रखते हैं। तब सब कहते रहे महात्मा आप खा क्यों नहीं रहे। तब पूछता है कि जाके आप द्रौपदी से पूछिए, तब वो बोलती है कि मैंने तो कुछ कहा नहीं लेकिन मैं मन में ये सोच रही थी। तो ये अहंकार समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक और कहानी आज कह रहा हूं दलित समाज के लोगों के लिए। संत रविदास का तो हर व्यक्ति नाम जानते हैं, जात से राम, जूते का काम था। कहां किसी ब्राह्मण को, कहां किसी, क्या कहते हैं,
ये राजपूत को उन्होंने दर्शन दिया, दर्शन दिया तो एक संत रविदास को, जिसमें वो चमड़े साफ करते थे, उसके अंदर गंगा जी प्रकट होके अपना कंगन दिया था। क्यों? क्योंकि मन में श्रद्धा है। मन में श्रद्धा होने से कोई संत महात्मा बनता है। दाढ़ी और तिलक लगाने से, भगवा वस्त्र धारण करने से महात्मा नहीं बन जाता, यह समझना पड़ेगा हमें। इसीलिए तब से कहावत बनी, तन मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तन मन चंगा है तो कठौती में गंगा भी निकल सकती है। यह है मेरा कहने का तात्पर्य। मेरा किसी भी व्यक्ति को दिल दुखाने का, किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपत्ति मेरी यहां पे है कि जब कोई फॉरवर्ड समाज का लव आदमी या संत महात्मा कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है दलित समाज या ओबीसी समाज के लिए, तो इसका विरोध फॉरवर्ड समाज क्यों नहीं करता? मैंने एक भी फॉरवर्ड समाज के मुख से विरोध नहीं सुनता हूं, लेकिन हम लोग विरोध करते हैं तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। क्यों? आपको अपने समाज के प्रति जागरूकता है, तो क्या हमें अपने समाज से नफरत है? कौन सा ऐसा पानी हम लोग गलत बोलते हैं, किस समाज के विषय में बोलते हैं? नफरत कोई नहीं फैलाता। बैकवर्ड समाज कभी नफरत नहीं फैलाता, दलित समाज कभी नफरत नहीं फैलाता। नफरत फैलाता है तो अधिकतर फॉरवर्ड समाज के लोग मिलेंगे। दबंगगिरी कोई दिखाता है तो फॉरवर्ड समाज के लोग दबंगगिरी दिखाते हैं। अगर गरीबों की जमीन पे, संपत्ति पे किसी ने कब्जा किया है तो वो फॉरवर्ड समाज के लोगों ने किया है, ना कि किसी दलित परिवार और ना ही किसी ओबीसी परिवार का आप कहीं नाम सुन सकते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो संसार बदल गया, आपकी ये भावना क्यों नहीं बदल रही है? भारतीय मित्र पार्टी का गठन है, बहुत सारे व्यक्तियों को सोचता होगा बैकवर्ड की पार्टी है। आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गोपाल कुमार तिवारी जी हैं, ब्राह्मण है, भूमियार। लव कुमार सिंह राष्ट्रीय महासचिव, राजपूत समाज से हैं। कहाँ है भेदभाव? पांच आदमी में दो आदमी फॉरवर्ड हैं, एक मुस्लिम है, दो ओबीसी से हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलित समाज है। कहाँ है भेदभाव? हमने तो कहीं भेदभाव रखा नहीं, तो आप लोग क्यों भेदभाव पैदा करते हैं? राजनीतिक हो, सामाजिक कार्य हो, वो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, मैं तो स्वागत करता हूं। मैं ये कोई थोड़ी दावे ठोक के बैठा हूं कि धनेश्वर महतो आजीवन पार्टी बनाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहेगा। मेरे से अच्छा अगर जो व्यक्ति मुझे नजर आएगा ना कि मेरे से ज्यादा काबिलियत है, ये अच्छा समाज को लेके चल सकता है, सबका साथ लेके चल सकता है, सबको एक नजर से देखेगा, उस व्यक्ति को मैं प्रमोट करूंगा, राजनीतिक में भी, हर जगह। ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीय मित्र पार्टी का हमने गठन किया है, यह आपको समझना पड़ेगा। और कल कुछ व्यक्तियों को मैं टिप्पणी देख रहा था, तबीयत खराब थी तो नजर आया कि भाई अच्छा है, जल्दी जाएगा। जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आ गया तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, लेकिन आप जैसे भाइयों का दुआ है, प्रेम है, इतनी जल्दी भी ऊपर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। स्वास्थ्य की बात है तो साल में दो तीन महीना, चार महीना मेरा खराब रहता है, आज से नहीं, 40 सालों से, तो इतिहास है। मैं हरी बीमारी ये सब आम बातें हैं, चलती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से मैं घबराता नहीं कि कौन आप मेरे विषय में क्या बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ से तकलीफ होती है, आप मेरे ऊपर कमेंट्स करें, लेकिन मेरे बाल बच्चों पे, मेरी माँ बहनों पे कमेंट्स करते हैं, तकलीफ होती है, इसी के उसमें मैं आपको जवाब देता हूँ गलत। संसार की हर स्त्री आदरणीय है, हर एक व्यक्ति की माता बहन आदरणीय है, किसी की माता बहन पे हमें टिप्पा टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता। हम राजनीतिक करते हैं, हमने अपनी माँ बहनों को नहीं बेचा है। आपकी भी माँ बहन उतनी ही आदरणीय है जितनी मेरी है, तो इसलिए कम से कम हम एक दूसरे की माँ बहनों को संस्कार, मतलब इज्जत से बात करें,
राजनीतिक अपनी जगह है। मैंने कभी नरेंद्र मोदी की माँ बहन पे टिप्पणी नहीं किया, योगी आदित्यनाथ के माँ बहन पे टिप्पणी नहीं किया, मैंने अमित शाह की माँ बहन पे टिप्पणी नहीं किया है। मैंने नेता है राजनीतिक के तहत उनका विरोध किया है। आप भी मेरा विरोध करें, नहीं पसंद करते सबको, मैं खुश को थोड़ी कर सकता हूँ। अरे जब भगवान से सब आदमी खुश नहीं रह सकता तो मेरे धनेश्वर, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरे से कैसे खुश रख सकता है। और आज के युग में तो बहुत कम आदमी मेरे से खुश रहेंगे, क्योंकि मुझे सच बोलने की बीमारी है, पता है, और ये आज के टाइम में हजम नहीं होता लोगों को। मैं एक चीज बता दूं, मैं इस नेचर का व्यक्ति हूं कि मेरे भगवान ने 6 औलादें दी हैं और 6 के 6 लड़के हैं। नई जानकारी है, समझ लीजिए। 2 की शादी हो गई है, 3 पोते हैं, 4 पोते हुए थे। भगवान ने एक को माननीय नीतीश कुमार की जो बिहार में व्यवस्था है हॉस्पिटल की, उस कारण से मेरे एक बच्चे की परमात्मा ने वापस बुला लिया। बहुत दुख है इस बात का। मैं यदि मेरा बच्चा गलती करेगा ना तो मैं उसको जेल भिजवाने में 1 सेकंड नहीं देरी लगाऊंगा। इस बात को आप सब गांठ बांध लीजिए। मैं बहुत बहुत समझिए, इस मामले में बहुत ख़त्म आदमी हूँ मैं। मेरा बच्चा गलती करेगा तो मैं उसको जेल का रास्ता दिखा दूंगा। मैं किसी को रिहायत करने के लिए राजनीतिक में राजनीतिक दल नहीं बनाया है। मैंने राजनीतिक दल बनाया है देश को समस्याओं को सुधार करने के लिए, इसलिए अलग राह पे चल रहा हूँ। अच्छे अच्छे व्यक्तियों की तलाश कर रहा हूँ देश के अंदर। 5-10 मैंने जब पार्टी का गठन किया था तभी मैंने 10 साल का टारगेट लिया था कि 10 साल मेरी बातों को देश की जनता को समझने में टाइम लगेगा। 5 साल है, 5 साल बीत गया, बीता नहीं है, मतलब 5वां साल ये इस इलेक्शन के बाद हो जाएगा। 5 साल में मैं समझता हूँ देश के एक एक नागरिकों को धनेश्वर महतो की विचारधारा, भारतीय मित्र पार्टी की विचारधारा, एक एक व्यक्ति को समझ आएगी और भारत में एक बेहतर विकल्प के रूप में आपके सामने ये भारतीय मित्र पार्टी, मित्रता है, भारत जलाओ पार्टी का नाम नहीं है, जनता जलाओ पार्टी का नाम नहीं है, मित्रता है। हमको सबको साथ में लेके चलना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों हैं इस देश के स्तंभ। एक भी स्तंभ कमजोर होगा देश हमारा डगमगा जाएगा। तो इसलिए इन चारों को हमको साथ में लेके चलना है और तब भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। इतना ही कहूंगा। शाम में 6 बजे फिर मिलते हैं एक विशेष और दूसरी तरह की बात के साथ। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।